वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैरियत से हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग सब हैर हैरियत से होंगे। हमारे जो व्लॉग्स हैं प्रीवियस जो हमने बनाए हैं, उन सबको आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो है बेसिकली हम जा रहे हैं OPTP, जो कि उनकी जो है कोई न्यू डील आई हुई है क्रिकेट डील के नाम से। तो आज हम वो ट्राई करेंगे, और प्लस क्योंकि हम वैसे तो हमारा प्लान यही था खासतौर पर मेरा कि मैं इस मंथ में जो है मार्च के अंदर किसी किस्म का फास्ट फूड नहीं खाऊँगा, लेकिन चलें के कभी कभार चीट डे जो है वो आपका हो ही जाता है। तो क्योंकि जिम भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है आजकल, तो चलो अगर चीट डे बीच में हो भी तो खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आपको मतलब थोड़ा सा पेट को और मसल्स को रेस्ट जो है वो देना चाहिए। तो खैर अभी हम जा रहे हैं OPTP, जो कि हमारे इधर है मॉल ऑफ सियालकोट में है, उस वाले हम रेस्टोरेंट में जाएँगे। क्योंकि सियालकोट के अंदर जो है वो दो OPTPs हैं, एक तो जो है वो उधर है CSG के पास है, और एक जो है वो है मॉल ऑफ सियालकोट के अंदर। तो मॉल ऑफ सियालकोट जो है वो तो अभी मेरा ख्याल है कि बंद हो चुका है, क्योंकि रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं इस टाइम। मे बी फूड कोर्ट जो है वो खुला हो, बहरहाल चेक करते हैं। क्लोजिंग हो गई है। कितने बजे क्लोज होती है? 11 बजे। कोर्ट ओपन है बस। फूड कोर्ट ओपन है, उधर ही जाना, खाने जाना। तो अभी उन्होंने बताया है कि जो फूड कोर्ट है वो ओपन है, उसके अलावा जो मॉल है बकाया वो सारा क्लोज है। तो अभी हम जाना भी फूड कोर्ट ही था, वैसे भी OPT पे आपको बताया है। तो अब हम जाएंगे मॉल के अंदर। फाइनली जी वी आर इन द मॉल, और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्लोज हो चुका है तो जो एस्केलेटर्स हैं वो भी बंद हैं, तो हमें मैनुअली जो है वो ऊपर जाना पड़ेगा। जाओ जाओ बेटा, पैदल जाओ पैदल, तुम्हारा पेट कम हो। वैसे लिफ्ट जो है वो चल रही है। ओए ओए, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा चीट डे है वो भी आज वैसे ज़ाया जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने में और नीचे आने में हमारी वैसे जो है ना वो खाना हज़म हो जाना है। देखें आदिल भाई जो वो कैसे भाग भाग के जा रहे हैं, और अब इनकी जो बैटरी है वो लो हो चुकी है। इस वक्त जो है ना हम 4th फ्लोर पे हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे भी ऊपर एक हाँ जो फूड कोर्ट है वो 5th फ्लोर पे है, यानी कि इससे ऊपर वाले पे। ओह जी, हम अपनी मंजिल के बहुत बहुत पास, चंद सीढ़ियां पास हैं हम, और फिर आ जाएगा OPTP। खैर जी, बहुत सारी हमने मेहनत की थी, दिल से मेहनत की थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो OPTP है वो भी बंद हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वो अब क्लोजिंग टाइम हो चुका है, हमारे जो वो हैं क्या था उनका फ्रायर था वो बंद हो चुका था, तो वहाँ से जो है हमें कुछ भी नहीं मिल सकता था, तो इसलिए फिर हम वहाँ से निकल आए हैं। और अभी जो है हम लोग आए हैं दूसरी OPTP पे, जो कि इधर CSG के पास है सियालकोट के अंदर। रहा जी OPTP, और अब हम जाएंगे इसके अंदर। मुझे तो ये भी हाल ही लग रहा है, निबल के हैं। चलो है देखते हैं। खैर जी अभी हम जो है वो आए थे OPTP में, जो कि ये ब्रांच थी CSG वाली, तो उसके अंदर ऑलरेडी तकरीबन जो उनकी नई डील चल रही है, गन शॉट मेरे ख्याल से डील चल रही है, मेरा तो वो क्रिकेट डील ही है शायद PSL वाली जो चल रही है, तो उसके 36 बर्गर ऑलरेडी अभी ऑर्डर पे थे। और 36 बर्गर का मतलब ये है कि कम से कम अगर आप पर बर्गर 5 मिनट्स पे लगाएं तो वो बहुत टाइम लगता है। तो चलो अगर ना भी हो, अगर मतलब पर बर्गर 5 मिनट्स ना भी लगाएं, लेकिन फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट जो हैं वो लगने थे, तो लिहाजा हमने कहा कि टाइम भी क्योंकि काफ़ी हो रहा है, हाँ 12 बज चुके हैं, तो इसलिए हमने वो जो प्लान है वो स्किप किया है। और उसके बिल्कुल साथ ही है चिकन स्पॉट, तो अभी हम वहाँ पर आए हैं, तो वहाँ पर जो है हाँ वो भी बल्कि उनका ही है, तो वहाँ पे जो है हमने
एक डील करवाई है बर्गर्स की, जिंगर बर्गर की डील थी जो कि 410 की थी आई गेस, और प्लस जो है हमने करवाया है एक पिज्ज़ा जो इनका कोई न्यू है, ये वाला टर्किश पिज्ज़ा है वो हमने करवाया है, और अभी बस उसका वेट हो रहा है ऑर्डर का कि वो आ जाए। एक तो पता नहीं क्या मसला है, मैं अपनी शक्ल बार बार देखता हूँ, हालांकि मुझे देखना कैमरे में चाहिए लेकिन क्योंकि आदत पड़ी हुई है यहाँ देखने की, तो इसलिए फिर मैं यहाँ नहीं देखता, यहाँ देखता हूँ। तो खैर अभी हम जो है वो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और देखते हैं कब तक आता है और कैसा टेस्ट होगा इसका। तो खैर जी बर्गर जो हैं वो आ चुके हैं, पिज्ज़ा जो है वो अभी भी पेंडिंग है, और जो बर्गर है वो देखने में तो अच्छा लग रहा है, बरा खा के चेक करते हैं और फिर आपको रिव्यू देंगे इसका किसका क्या टेस्ट है। ये हमारा जो पिज्ज़ा है वो भी आ चुका है, टर्किश स्टाइल में है इनका कोई पिज्ज़ा, टर्किश पिज्ज़ा। तो खैर अभी तो मैं बर्गर ही खा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है, चला ये खा के तो फिर जो है वो आपको दिखाएंगे पिज्ज़ा का टेस्ट। पहले हम चेक करेंगे विदाउट केचप, वैसे तो मैं केचप बहुत खाता हूँ लेकिन क्योंकि इसका फिर टेस्ट नहीं आएगा। ठीक ही है बस, पापा जॉन से बेहतर है, जो टेस्ट है वो तो एवरेज ही है, इतना कोई खास नहीं है जिसमें टर्किश वाली कोई बात नहीं है। तो खैर ज़रा खा लें क्योंकि खाते वक्त बोलते नहीं हैं, तो खा के फिर आप जो है वो बात करें। खैर जी खाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, और अगर खाते हुए आपका मतलब पिज्ज़ा या कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल कुछ भी बचता है ना, तो आप उसको ज़रूर साथ ले कर आया करें, क्योंकि इस जो चीज़ें हैं वो ज़ाया होती हैं। जिस तरह ये कोल्ड ड्रिंक है तो बहुत सारे लोग होते हैं वो चीज़ों को छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप वो साथ लेके आए। जो फाइनल रिव्यू है फूड का वो ये है कि वैसे तो अच्छी क्वालिटी थी, मतलब वैसे ही अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि उसके बिल्कुल साथ OPDP है जिनकी क्वालिटी आउट क्लास है एज़ कम्पेयर टू चिकन स्पॉट। तो ये है कि इनको चाहिए कि अपनी जो क्वालिटी है उसको इनक्रीज़ करें, थोड़ा सा अप करें, तो लेकिन यह है कि एवरेज, मतलब एवरेज फूड था, इतना कोई ज़बरदस्त भी नहीं था और इतना कोई लो भी नहीं था। तो खैर अभी जो है हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।